भाई कितना नाम है? तेरे सामने देखो एक मिनट वेट चलो आ जाओ क्यों सेंटर में आ जाओ आप ये साइड आ जाइए थोड़ा पीछे होकर ये चलो पीछे जाओ थोड़ा अंदर थोड़ा अंदर क्लोज क्लोज अरे क्लोज देना क्लोज कितना लंबा है आशुतोष कैमरा बोल रहे ना तेरा फ्रेम में आ रहा है बस क्या हाय ये हो जाएगा बता जरा मैं तेरा होगा तो बता दे जरा अंडे आ जा बीच में आ जा एक मिनट सर एक आइए रेडी साइड या सेंटर या अरे बाल ये निशान का कुंडी का सोलो ले ले हां चलो क्या हो रहा है कुंडी का कह रहे ये सेटल तैयार हो गया रक्षा बंधन यही थोड़ा पोस्टर दिख दीजिए बस अरे ऐसा अबे दोनों साइड अच्छा लो आप सेंटर भाई सर स्टिल ये जाम है शान का दिनेश भाई सलीम भाई जी भाई आइए आइए जल्दी आइए हो गया सोलो काफी गर्म हो रहा है पीछे 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 जो पार्टी पार्टी आशुतोष कैमरा पीछे करना आप क्या जब आना चाहिए तभी तो बोला ही नहीं सर राइट राइट सर आपके लेफ्ट में बस वेट 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 भाई टप्पा तो अकेला है क्या मैं भी तो आया हूँ अमर पीछे ना अमर या जूम आ रहा है या खुशबू छपने वाला इधर जूम कैमरा छोड़ दे आपका हाथ आ गया था छोड़ देगा होता है अरे मतलब हाथ थोड़ा हटा लो ऐसा बोलना चाहता था ना छोड़ो जरा पकड़ो थैंक यू मैं खुश हूं मेरी है यहां ये कैमरा में देखिए हो गया चलो उधर
पोस्टर पे लीजिएगा। अभी पूरा एपिसोड बनाएगा क्या? चल और इसके हमारे प्रोड्यूसर हैं वसीम अमरूनी जी और उनके को प्रोड्यूसर हैं निशांत जेट्टी जी। मैं निशांत जेट्टी जी को भी बुलाना चाहूंगी, प्लीज अंदर आए। इनके लिए कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है और अभी मेरी बंदी से और ज्यादा फेमस हो रही है, मतलब आगे और कितना फेमस होने वाले हैं आप। और हमारी एक्ट्रेस है खुशबू खान, जिन्होंने मीडिया पे इंस्टाग्राम पे आग लगा रखी है, मतलब इतने 1.5 मिलियन फॉलोवर्स। सलीम जी स्वागत, कॉमेडियन है तो एक दो जोक्स सुनाएंगे यहाँ पे, है ना सर? जब पास में मेरी बंदी है तो मैं तुम दोस्त मेरी बंदी पर ये निशान जी के मैं वही बोल रहा था आज वो आपकी बंदी नहीं है। जब तक गाना रिलीज नहीं हुआ था तब तक आपकी थी, अब रिलीज हो चुका, अब सबकी बंदी है। यार राइट, एक्चुअली ये गाना इतना ट्रेंडिंग होने वाला है क्योंकि हर कोई मेरी बंदी बोलता है, तो अब अगर गर्लफ्रेंड रूट भी जाए तो उससे बोल सकते हैं मेरी बंदी सबसे क्यूट है, तो वो ऐसे ही मान जाएगी राइट। ओके, और ये सिंगर है गोंडी जी और इस पूरे प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड जिन्हें हम बोल सकते हैं दिनेश, जो पहले कास्टिंग डायरेक्टर थे पर अभी अरे बहुत कुछ है आप इस प्रोजेक्ट में बहुत कुछ है और मेन तो वसीम सर के बैकग्राउंड। तो पूरी टीम आपके सामने है सर, अब भी स्टार्ट हुआ है, ये प्रोड्यूसर भी है सर, अब भी स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट, ये दुबई में सॉन्ग कब का आया आपने देखा ही होगा और मैं सर को देना चाहूँगी। साढ़े छः सात साढ़े सात साढ़े साढ़े छः बजे आए रिंकू भाई। हेलो सर, 10-15 मिनट में कराओ। हेलो मॉर्निंग, हेलो मॉर्निंग, 10-15 मिनट में करवाता हूँ सर, यहाँ पे दिख रहे नहीं है और यहाँ पे शूट चालू है। हम लोग को दिखाया था 3 मिनट लेकिन उससे प्रीव्यू था, बहुत दूर है। मुंबई प्रिंसी करके कैफे ना वहाँ पे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, तो हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, ये है हम लोग डी एन ओडर के पहले जो गली आता है वहाँ से राइट लेते ना वहीं से सीधा। मेरी बंदी है और मेरा ये मानना है कि मेरी बंदी इज नॉट जस्ट अ टाइटल फॉर योर गर्लफ्रेंड, इट कैन बी योर मदर, इट कैन बी सिस्टर, लाइक बंदी बंदा, यू नो एवरी मैन एंड एवरी वुमन ऑन दिस प्लेनेट दैट अल्टीमेटली कम फ्रॉम अ वुमन, सो द अल्टीमेट पावर ऑन दिस अर्थ इज बंदी। तो आज उसी बंदी का सक्सेस पार्टी है एंड आई होप यू ऑल एंजॉय द सॉन्ग एंड या इट वाज इंडीड अ वेरी टफ शूट लाइक वसीम जी जस्ट सेड। मैं अपना शो रक्षाबंधन की शूटिंग कर रहा था, पैकअप करके फ्लाइट पकड़ी, दुबई पहुंचा, आई थिंक 2 घंटे सोए हम लोग, उसके बाद शूटिंग स्टार्ट करी, पूरा दिन शूट किया दुबई में, कहाँ कहाँ जाके हमने सारी अमेजिंग लोकेशन पे शूट किया है एंड आई हैव टू से इट वॉज सच एन मार्वलस शूट, सच एन ईजी शूट लॉजिस्टिकली, थैंक्स टू वसीम भाई एंड दिनेश भाई हु हैड डन एन अमेजिंग कास्टिंग एंड आई थिंक दिनेश भाई की वजह से मुझे ये सॉन्ग मिला है, सो आई हैव टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट, सो थैंक यू दिनेश भाई फॉर दैट। आई वांट टू से सम यू शुड से अबाउट रामजी गुलाटी एंड कुछ, या आई एम कमिंग टू दैट एंड द डायरेक्शन इज अमेजिंग, आपने वीडियो देखा होगा, इट इज बाय रामजी गुलाटी जी एंड आई वुड से मेरी बंदी में जो बंदी है उससे अच्छी बंदी हमारे सॉन्ग में नहीं हो सकती थी। I'm really happy that I have such a beautiful, such a talented actress with me who was playing the heroine. And in the end, I would say, आप सबने इस गाने को इतना प्यार दिया है, इसी तरह देते रहिए। And I hope मेरी बंदी has touched millions across right now. And इसी तरह ये आसमान छू। Thank you. And now I would like the singer of the song, Goldie, say a few words and also sing a couple of lines because I think
he deserves to sing it in front of you live. Thank you, Ipar. So, Sona, Tania, and your whole team ke liye. क्योंकि मेरी बच्ची से स्वर्ण पूरी टीम की वजह से हो गया है और हमने बहुत मेहनत की इस चीज़ के पीछे। लेकिन वसीम सर जानते हैं सारे स्टार्ट से लेकर अभी तक का सफर जितनी है, तो यहाँ पे म्यूजिक नहीं है लेकिन हम तालियों से म्यूजिक दे सकते हैं। हमेशा लेट कर दिए, बड़ी इरिटेट कर दिए, अगर मैं हो जाना गुस्सा वो रोना फेक कर दिए, सब कुछ ताकि मेरे हार लूं सेलिब्रेट कर दिए, ऐसी ड्रामेबाज छोरी मुझको डेट कर दिए, मैं परेशान रहता हूँ झेलता उसके सौ नखरे, ये दीवानी सी क्रेजी लड़की जरा सी अकल की अंधी है, पर दुनिया में सबसे क्यूट लड़की मेरी बंदी है, पर दुनिया में सबसे क्यूट लड़की मेरी बंदी है, थोड़ी पागल सी है, थोड़ी पागल सी है, थोड़ी पागल सी है, लेकिन जैसी भी है चंगी है, पर दुनिया में सबसे क्यूट लड़की मेरी बंदी है। थैंक यू सो मच। तो अभी खुशबू आप जरा बताइए। यार गर्मी बहुत है ना, पर मैं जरा बता देती हूँ गर्मी बहुत है और आपके गाने से और गर्मी बढ़ गई। एंड आई वांट टू से थैंक्स टू एवरीवन, दिनेश जी, वसीम अमरोही एंड एवरीवन जिन्होंने इतनी मेहनत की है गाने में, राम जी, शादे एंड ऑफ कोर्स निशांत एंड गोल्डी द गोल्डन बॉय, एंड निशांत ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा, जो मैं बता भी नहीं सकती हूँ। सो 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 हार्ड वर्किंग मैन, मैंने शायद इतना कोई देखा होगा, ये रात को आए, एक घंटा सोए, फिर पूरा दिन शूट किया और शूट करते पैकअप करते फ्लाइट, एंड देन उन्होंने पूरी रात सफ़र किया और सुबह फिर स्टेशन, सो इज सो हार्ड। एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर कमिंग। नाउ आई वांट सलीम दैदी टू डू, ही इज द बैकबोन ऑफ इंडियन comedy, you know, like nowadays everybody is talking about Salim Zaidi, and I personally want to thank because he's coming directly from the shoot, and he's very dear friend, my brother, just say something. शुक्रगुजार हूँ परवाले का सबसे पहले, क्योंकि परसों ही आईटी अवार्ड मिला है और वो सिलसिला मोहब्बत का बरकरार है, मालिक की करम है कि भाई वसीम अमरोही का ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ है। यकीन मानिएगा चारों तरफ चर्चा है इस गाने की, हमारे सेट पर भी चर्चा हुई थी, अंगूरी भाभी भी बोली किसकी बंदी है, मैंने कहा वसीम भाई की तो नहीं है। खैर मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाना इतना पॉपुलर है कि मेरी बंदी की खुशबू इतनी महक रही है चारों तरफ कि निशान के निशान लोगों के दिलों पर बनते जा रहे हैं। मेरी दिल से दुआएं हैं कि ये गोल्डी साहब का गाना जो है और आगे जाए और इस गाने के सिलसिले में और चार गाने मिले, और कसम खा के कह रही हूँ भैया गोल्डी, अगली बार तुमने इससे बेहतर गाना नहीं लिखा तो टिल्लू तुम्हारे गुर्दे छेड़ेगा, कसम खा के कह रही हूँ। ये गाना सुनने के बाद गुर्दे मुंह को आ गए, बहुत बढ़िया गाना है, खुशबू अकेले में मिलना बताऊंगा कैसा गाना है। थैंक यू वेरी मच वसीम भाई, गॉड ब्लेस यू, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, और ये सिर्फ हमारे दोस्त नहीं, अजीज नहीं, ये मेरा भाई है और यकीन माने ऊपर वाले के करम है, एक बेहतरीन शख्सियत, बेहतरीन रूहानी इंसान है, जो दिल से किसी से जुड़ते हैं तो दिल से ही जुड़ते हैं, तालियां होना चाहिए। Now we have a couple of more plans. I want my partner Nishan to speak about it. So it's a beautiful song. जब ये लॉन्च हुआ, जब ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा था, वसीम भाई ने मुझे इसका कोई भी टेक नहीं दिखाया, कोई भी ऑडियो क्लिप नहीं सुनाया, he was like it's a surprise for you, and once the final editing is done, a full shoot is done, पूरा फाइनल ये सुनाया है, क्योंकि इनको पता है whenever it's a shoot going on, मेरे उसमें कीड़े जरूर रहते हैं, ये शूट एंगल गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है, he gets really you know sometimes irritated कि भाई शूट खत्म करने दे, अगला शूट है। Yeah, so he was like कि नहीं दिखाऊंगा, नहीं सुनाऊंगा, फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो डिलीवरी देख लेना, उसके बाद अपने कमेंट्स देना, एंड कमेंट्स आर लाइक फंडाबुलस, इट्स अ ब्यूटीफुल शॉर्ट सॉन्ग। रामजी भाई इज नॉट हियर, कांग्रेचुलेशन रामजी भाई, कांग्रेचुलेशन निशांत, खुशबू एंड गोल्डी एंड दिनेश पाजी एंड ऑफ कोर्स वसीम भाई। थैंक यू, रेड वायर है।
यार दिख रहा कि नहीं विरन भाई? अरे तुम लोग सारा पीछे तो आओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। अभी क्या वो केक के ऊपर बैठा है सबको? सबसे तो बड़ा लल्ला तो यही है, ये सबसे बड़ा लल्ला। वो पीछे जा, पीछे जाओ, चलो पीछे। हेलो एवरीबॉडी, हेलो 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 ए जीतू थोड़ा फोन पीछे ला रहा हूँ। अरे फोन पीछे करो भाई, किशन पीछे कैमरा हटा। निशान फोन पीछे फ्रोन भाई यहाँ पे है और फ्रोन भाई उनके साथ क्या सकते शुरू हो चुका है भाई, स्टार्ट हो गया। स्टार्ट सर, तो ओवरऑल आई वुड से कि गाने को शूट करने का बहुत मज़ा आया हमको। दुबई इतनी खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा घूमने का टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं रक्षाबंधन का शूट ख़त्म करके फ्लाइट पकड़ के दुबई पहुँचा। वहाँ मैंने एक दो घंटे में फ्रेश हुए एंड देन वी स्टार्टेड शूटिंग एंड वी वर ऑल ओवर द प्लेस। दुबई में जितनी खूबसूरत लोकेशन हमें मिल सकती थी हमने वो सब जगह पर जाके शूट किया है। टायरिंग था लेकिन मज़ा बहुत आया एंड पैकअप करते ही फ्लाइट पकड़ के आई केम बैक टू मुंबई एंड यहाँ पर मेरा शूट रेडी था रक्षाबंधन का। तो आई वुड जस्ट से दिस कि जितनी मेहनत मैंने की इस सॉन्ग के लिए उससे ज़्यादा खूबसूरत ये गाना निकला है। आई एम रियली रियली हैप्पी दैट आई हैड सच अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस विद मी, सच एन अमेजिंग सिंगर हु सैंग दिस सॉन्ग एंड शूट करने में बहुत मज़ा आया। एंड वसीम भाई, वसीम अमरोही, आई थिंक इज़ अ वंडरफुल जेम ऑफ अ ह्यूमन बींग। मैं इनको पहले नहीं जानता था लेकिन जब हमारी बात हुई तो फ़ोन पे ही हमारी एक बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया और जब शूट किया साथ में तो एक बहुत गहरी दोस्ती हो गई जो आई थिंक लाइफ लॉन्ग चलेगी। कुछ भी आप बताइए, कैसा अनुभव था इस गाने का और आज लोग पसंद कर रहे हैं काफ़ी इस गाने को, तो कैसा लग रहा? मैं तो मेरा एक्चुअली देखा जाए तो पहला सॉन्ग था दुबई में, तो आई वॉज लिटिल नर्वस। आई डिडंट नो दैट रियली। या पहला सॉन्ग था दुबई में? दुबई में पहला सॉन्ग था मेरा। मेरा भी पहला सॉन्ग था और लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो गया जब मैं निशान से मिली। ही सुपर काम एंड यू नो ही सुपर एनर्जेटिक, इन्होंने मुझे बहुत इंस्पिरेशन दी एंड सब एक फैमिली की तरह काम कर रहे थे और पता ही नहीं चला मतलब पूरा दिन कैसे निकल गया। ऐसा लग रहा था एक घंटा ही हुआ है साथ में और पूरा 18 आवर्स हमने शूट किया, 18 आवर्स और इतनी जल्दी चले गए और बहुत प्यारा शूट हुआ है एंड थैंक्स टू एवरीवन।
सर योर एक्सपीरियंस बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड अबाउट वसीम सर हु हैज प्रोड्यूस्ड एक्चुअली जब मैं गाना बना रहा था ये तब मुझे नहीं पता था कि ये गाना कहाँ जाएगा और कौन कौन कास्ट होगा लेकिन जैसे पता चला कि रामजी भाई को ये गाना पसंद आया है रामजी भाई ने मुझे बोला कि इट्स अ फैंटास्टिक सॉन्ग लेट्स डू दिस तो वैसे ही हमने तुरंत इस पर काम चालू किया एंड जैसे आप देख सकते हो वसीम भाई ने हमको इतना सपोर्ट किया है स्टार्ट से सुबह से लेके वैसे ही रामजी भाई को आज हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे कि रामजी भाई यहाँ होते तो और माहौल और अच्छा होता लेकिन कोई बात नहीं वसीम भाई और रामजी भाई इन दोनों ने हमें बहुत सपोर्ट किया शूट के दौरान सुबह सुबह 7 o'clock राइट वी गॉट अप एट 5 वी गॉट रेडी बाय 6 वी स्टार्टेड शूटिंग बाय 7 भाई हां एक्चुअली तो सुबह सुबह उठे रात को कोई सोए भी नहीं है सही से लेकिन शूट बहुत बढ़िया तरीके से हुआ और गाना आपके सामने आप लोगों को कैसा लगा आप बताइए निशांत एंड खुशबू इज द बैकबोन ऑफ द सॉन्ग एंड एवरी टाइम दे आर पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो आई कैन सी द कमेंट यू नो इट इज मोर देन 10,000 कमेंट मोर देन 1 lakh 2 lakh लाइक्स ऑन एवरी पोस्ट व्हेन दे आर पुटिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड पीपल आर क्रेजीली यू नो क्रेजीली लविंग दिस सॉन्ग एंड स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम इट इज going very viral all the reels are going in millions you know we have approx we are touching 3 million on YouTube also and I see in Dubai you know Dubai people are loving this song very much because we shot in Dubai and we have our own production house in Dubai in each and every Indian Pakistani cafe this song is running we have couple of reels also we saw people are loving this song in India also and especially Nishant you know from the day first we thought through this song with Nishant and you know Dinesh bhai told me that the best guy for this song is Nishant Malkhani and then I called Nishant and I said that I want one day because he's super busy he's shooting day and night and of course he is doing a couple of more videos and music videos also so I called him and I want to thank him that he has given me one day of this thing you know and Dubai is very hot you know nowadays like so it was very difficult to dance all day you know if you see the video we shot in beautiful locations and where there's no shadow you know so for Khushbu and Nishan it was very difficult but the combo of Khushbu and Nishan we are going to repeat very soon inshallah we have huge setup in Dubai and we are planning a number of songs you know with Ramji shooting every day there and now we are planning more than 100 songs this year let's see what is going to happen but 100 songs jaise hum dono kitne kar rahe hain 100% you are 100% matlab 100 hum kar rahe hain you are the beginning 100 song hum kar rahe hain to hum log tv bhi chhod dete hain 100 gaane karte hain you are the beginning you are the beginning so you are going to be of course you are going to be major part and again I want to thank Meri Bandi and I want to thank all of you to come here and support I can see at least 100 cameras here and I have no word for you guys you know thank you very much thank you for showing so much Nishant as an actor music video ka sabse bada usp kya lagta hai as an actor aapko kya explore karne ko milta hai time kam hota hai what is the benefit of being part of a music video industry dekho hum log jab tv karte hain na to tv pe ek particular character aap जैसे मैं रक्षाबंधन एक साल से कर रहा हूँ गुड्डन मैंने 2 साल किया था तो हम लोग एक ही चीज़ डे इन डे आउट करते रहते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि हर रोज़ कुछ नया ढूंढ लें कुछ नया कर लें लेकिन जब एक म्यूज़िक वीडियो आता है तो इट्स लाइक अ एब्सोल्यूट ब्रेक फॉर अस इट्स अ रिफ्रेशिंग ब्रेक फॉर अस ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो मुझे रीसेट कर देगा और वो करने के बाद वापस अपने शो में आके ऐसा लगता है कि ओके नाउ आई एम बैक आई एम रिचार्ज एंड दैट आई लव डूइंग म्यूज़िक वीडियोज़ आप देखेंगे मैं काफ़ी करता रहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो सेटअप होता है जो जिस तरह के शॉट्स होते हैं वो टीवी में करने को मिलते नहीं है तो इन अ म्यूजिक वीडियो आई एक्सप्लोर अ लॉट मोर एज एन एक्टर देन आई कैन ऑन टीवी और ये भी कहता हूं आज एज एन आर्टिस्ट बहुत फ्रीडम मिलती है कि आप कोई भी मीडियम को एक्सप्लोर कर सकते हो ऐसा नहीं कि कोई बाउंडेशन है तो उसके लिए बताइए कि आगे क्या करने वाले हैं आप बेसिकली एज एन एक्टर लाइक आई सेड टीवी तो खैर इट्स लाइक फैमिली वो तो कभी नहीं छूटेगा वो तो करते ही रहेंगे हम बट वेब सीरीज जस्ट केम आउट रिसेंटली कॉल्ड शुभ मंगल में दंगल
that is doing amazing on Hangama Play and MX Player. उसके बाद मेरी बंदी इज़ अ सुपर सक्सेस एंड आई एम सो ब्लेस्ड फॉर दैट. और इसी तरह और भी कई गाने हैं जो धीरे धीरे आते रहेंगे. वसीम भाई ऑल्सो जस्ट मैंशन वी आर प्लानिंग अ सॉन्ग वेरी सून एंड आई थिंक दैट्स गोना बी इवन बिगर देन मेरी बंदी. तो एज एन एक्टर आई थिंक अब इतने मीडियम्स खुल गए हैं ना एंड इफ़ यू आर लव्ड बाय द ऑडियंस देन यू हैव सो मच वर्क टू डू. यू हैव सो मच ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड टू गेट टू डू सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स. सो आई एंजॉय डूइंग एवरी काइंड ऑफ वर्क. सर अबाउट यू, आज के टाइम में इंडिपेंडेंट म्यूजिक का कितना ज़्यादा स्कोप मानते हैं आप और आगे चल के क्या लग रहा है, क्या फ्यूचर होने वाला है? स्कोप तो सर बहुत है इंडिपेंडेंट म्यूजिक के लिए, क्योंकि म्यूजिक कभी रुकेगा नहीं. म्यूजिक और आते ही होगा और उसके स्टाइल्स भी बदलते रहते हैं. बहुत सारे लोग वेस्टर्न म्यूजिक को बहुत फॉलो करते हैं लेकिन हमारे इंडियन म्यूजिक में ही बहुत कुछ है जो हम इसी को तोड़ मरोड़ के कुछ अपना एक यूनिक स्टाइल निकाल के ला सकते हैं. जैसे कि दिस इज़ इंडी पॉप ओनली मेरी बंदी, बट उसको एक बंदी वाला टच देना, एक इंडियन लिरिक्स को लेके, और जो आजकल हो रहा है कोई इरिटेट करती है लेकिन फिर भी मेरी बंदी क्यों है पूरी दुनिया में, तो ये सब एक छोटा छोटा टच देने की कोशिश की है. तो आगे बहुत फ्यूचर बहुत अच्छा है म्यूज़िक का, हिंदी पॉप का स्पेशल. आई थिंक मेरी बंदी के जो लिरिक्स है ना बहुत रिलेटेबल है. इरिटेट करती है, नकली रोती है, तंग करती है, जिद करती है, पर दुनिया में उससे क्यूट कोई नहीं है. इट्स लाइक अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग बट सेड इन अ वेरी कोलोकियल लोकल लैंग्वेज जो अलग बच्चे भी समझ सकते हैं. इट्स फॉर ऑल एजेस यू नो. सो आई थिंक इट्स अ वेरी रिलेटेबल सॉन्ग एंड दैट्स व्हाई इट्स डूइंग सच एन अमेजिंग परफॉर्मेंस ऑन यूट्यूब. मैम हाउ फार यू थिंक इट विल बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर योर करियर एज सच? आई मीन द सॉन्ग इज गुड, योर पिक्चर विद निशांत, तो कितना ज्यादा टर्निंग पॉइंट मानती है? आई एम ब्लेस्ड वर्किंग विद हिम और मुझे लगता है कि इनकी वजह से इतना हाइप मिला है बिकॉज इनकी फैन फॉलोइंग, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है. एंड इनके बोल जो थे गाने के लिरिक्स खासकर, वो आजकल जो चलते हैं ना रील पे वो ऐसे ही चलते हैं क्योंकि लोगों को समझ आना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं. तो वो चीज़ सबको समझ आ रही है, छोटे बच्चे को भी समझ आ रही है, टीनेज को भी, बड़ों को भी, सबको समझ आ रही है. और मुझे लगता है इससे बहुत हाइप मिला है मुझे और इंशाल्लाह फ्यूचर में तो और ज़्यादा, मतलब ये स्टार्टिंग बहुत ब्यूटीफुल है. वसीम भाई लास्टली ये पूछना चाहूँगा, आपकी कंपनी और भी कई चीज़ करती है, उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या प्रोजेक्ट्स करती है, क्या करती है? You know, I personally, I'm into advertising and marketing since last 20 years and I have done more than 100 films. Like I got BBC National Award for Pink and Mirza for the best marketing campaign, ACFS for Sachin, Dhoni, Padmavati and many other awards, you know. Like I have been associated in this industry and my family is into Bollywood since last, you know, many years. So now Inking Idea is purely into technology and production and of course social media management. Under production we are doing web series, we are doing, of course we started song, we have done number of commercial ads for SBI and many other brands. So plans are big, we are going to produce films also, we have the line production team in India and in Dubai. Anybody who wants to shoot in Dubai, we have a full team and we welcome them. We any kind of support for Indian filmmaker in Dubai, we are there. And let's do the work. Thank you. Thank you everyone. Abhi usko gaayenge bas photo lene. Hi. मेरा जी आइए, चलो हो गया. नहीं नहीं भाई जरा स्टिल हो गया, हो गया. मिल रहा है, बैठिए मैम. नहीं नहीं वेट वेट वेट, अरे मेरे को लेने लेना जरा, रुक ना, अभी फोटोग्राफर को भी देना है, सबको देना है. सॉरी हां, वेट वेट वेट, नहीं क्या घुमाना पड़ेगा.
इसीलिए तो लेकर आया हूँ मैं कि तारीफ करें मेरी। चल वैसे तो आप सबको पता है कि हमारे सुपरस्टार यहाँ पे बैठे हैं। नो ही इज अमेजिंग एंड बोथ ऑफ देम हैव डन अ गुड जॉब। दे लुकिंग अमेजिंग ऑन स्क्रीन। बहुत ही पेपिक गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने डे वन में बोल दिया था कि वेरी नाइस सॉन्ग एंड द लोकेशन। मैं सेट पे था, मैं सेट पे था जब ये गाना आया मेरे पास, तो हम लोग साथ बैठे थे, खाना खा रहे थे। मैंने कहा ये गाना है सुन कैसा लग रहा है, तो शी हर्ड कितनी बहुत कैची है, ये पक्का हिट होगा। मैंने कहा तो मैं पक्का कर लेता हूँ फिर। हो सकता है आपके कहने से हिट हो। निशांत सर, आप दोनों से एक कॉमन सवाल ये है कि यू आर पार्ट ऑफ द टीवी इंडस्ट्री। आजकल सोशल मीडिया का यू नो रील्स बनते हैं और इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है, तो कितना मानते हैं कि वो लॉजिकल है एज एन आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू? आप क्या कहना? यार आई थिंक अब देखो जैसे जैसे सोशल मीडिया और डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियाज बढ़ती जा रही हैं, हर तरह के कॉन्टेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, तो आई थिंक एक नया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम पे। लोग रील्स के थ्रू अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, अपने आप को दुनिया के सामने अपने टैलेंट को दिखा पा रहे हैं। तो अगर कोई इन्फ्लुएंसर तब बनता है जब उसके फॉलोवरशिप बढ़ती है। फॉलोवरशिप कब बनती है? जब वो एक अच्छा टैलेंट दिखा पाते हैं, वो कुछ ऐसा कर पाते हैं जो ऑडियंस पसंद करती है। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। वो टीवी पे हो, वेब पे हो, सोशल मीडिया पे हो, गानों में हो, हम क्रिएटिव वर्ल्ड में काम करते हैं। तो क्रिएटिवली अगर कोई रील्स बना के फेमस हो सकता है, तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ टैलेंट एंड इट शुड बी रिस्पेक्टेड। The best thing is, see, where we give auditions and stuff, we have a time slot. But reels वगैरह जो होती है वो minimum time के लिए होती है, और उसमें आप अगर कमाल कर सकते हो, it shows that you know within such short span of time you can create magic on screen, then you are a star overnight. So yeah. I think that's a very good platform. And for actors, people. I think actors who are doing well on TV, social media is a way where you can also be an influencer. Yeah. Like you can be an actor who has millions of followers. You know, she has more than a million. I also have a good followership. So it is just another way of us to show our talent in a different medium. And there are some special people like Khushbu who are doing very well only through reels. So I think it's a platform for everybody, and everybody can show their talent, and everybody deserves a thumbs up for that, a like for that.